अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हाफ बाइट। आज मैं सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ लिक्विड डो से पिज्जा बनाने की रेसिपी, जो टेस्ट में बिल्कुल रेगुलर पिज्जा जैसा होता है, लेकिन रेगुलर पिज्जा की निस्बत ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं लिक्विड डो से पिज्जा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले 150 ग्राम बोनलेस चिकन ले लेंगे और उसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट के रख लेंगे। एक अदर टमाटर ले लेंगे, उसके बीज रिमूव करने के बाद उसके भी छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। 6 से 7 अदर ब्लैक ओलिव ले लेंगे। एक छोटे साइज का प्याज ले लेंगे, उसे भी छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। एक छोटी सी शिमला मिर्च ले लेंगे, उसके बीज रिमूव करने के बाद उसको भी छोटे छोटे क्यूब्स में काट के रख लेंगे। लेमन जूस हम ले लेंगे 1 टेबल स्पून। ऑयल हम ले लेंगे 2 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर हम ले लेंगे 1/4 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च हम ले लेंगे 1/2 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च हम ले लेंगे 1/2 टीस्पून। खुश्क धनिया पाउडर हम ले लेंगे 1 टीस्पून और नमक हम ले लेंगे 1 टीस्पून। तो ये थी सारी चीजें जो हमें पिज्जा में चिकन की टॉपिंग के लिए चाहिए हैं। तो आए हम पिज्जा के लिए चिकन तैयार करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और इसे अच्छे से पूरे पैन में फैला लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे बोनलेस क्यूब्स में कटा हुआ चिकन और इसे अच्छे से तब तक भून लेंगे जब तक चिकन का कलर चेंज होना स्टार्ट ना हो जाए। चिकन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, अब इसे मजीद 1 से 2 मिनट भून लेंगे। चिकन का कलर अच्छे से चेंज हो चुका है, अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे और आखिर में ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस। अब इन तमाम चीज़ों को हम चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले चिकन में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। अभी हम इसमें पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ेगा और उसी पानी में चिकन पक जाएगा। चिकन को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन उतार लेंगे और एक बार चम्मच चला लेंगे। आप देख सकते हैं कि चिकन का पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी तक चिकन टेंडर नहीं हुआ, इसलिए हम इसको थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे और इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। चिकन को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम ढक्कन उतार लेंगे और चम्मच चला लेंगे। चिकन का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, अब हम इसे मज़ीद 1 मिनट के लिए भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छे से गल चुका है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन हमारे पास तैयार हो चुका है, अब हम पिज्जा के लिए डो तैयार कर लेंगे। डो बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम मैदा ले लेंगे 1 कप, दूध हम ले लेंगे नीम गर्म किया हुआ 1 कप, अंडा हम ले लेंगे 1 अदद, चीनी हम ले लेंगे 1 टेबल स्पून, नमक हम ले लेंगे 1/2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर हम यहाँ पे ले लेंगे 1 टीस्पून और ओरिगैनो पाउडर हम ले लेंगे 1/2 टीस्पून। सबसे पहले एक बाउल में हम अंडा तोड़ लेंगे और उसमें शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून नमक, चीनी और ओरिगैनो पाउडर। अब हम साथ इसमें ऐड कर देंगे 1 कप नीम गर्म दूध और इन्हें अच्छे से विस्कर की मदद से विस्क कर लेंगे। आपने बहुत अच्छे से इन्हें विस्क कर लेना है ताकि चीनी भी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट विस्क करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास मिक्सचर अच्छा सा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें मैदा शामिल कर देंगे। मैदा शामिल करने से पहले मैदे को अच्छे से छान लें। एक छानने में यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ मैदा और साथ ही मैंने ऐड कर दिया है बेकिंग पाउडर और इन्हें अच्छे से छान लूँगी। यहाँ पे अच्छे से मैदा छानने के बाद हम उसको तैयार किए हुए दूध और अंडे के मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इस मिक्सचर में कोई भी लम्स बाकी ना रहें। यह मैदे को अंडे और दूध के मिक्सचर में मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारे पास एक बहुत ही स्मूथ सा बैटर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक और ना ही बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए। अब इस तैयार किए हुए बैटर को हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। अब पिज्ज़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले एक पैन में ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ऑयल और उसको अच्छे से पैन में फैला लेंगे। अब एक मेयरिंग कप की मदद से 1 कप फुल भर के हम बैटर को पैन में डाल देंगे। आपने बैटर को बिल्कुल सेंटर से डालना स्टार्ट करना है, यह ऑटोमेटिकली सारे पैन में फैल जाएगा। अब हम बिल्कुल लो से मीडियम फ्लेम पर ही इसे कवर करके एक साइड से 1 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। फ्लेम को आपने ज़्यादा हाई नहीं करना है वरना इससे आपकी डो जल सकती है।
यहाँ पे डो को पकते हुए एक मिनट हो चुका है। अब हम ढक्कन उतार लेंगे और आप देख सकते हैं सामने की साइड पे कच्चा बैटर नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज करने के बाद फ़ौरन से हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आप देख सकते हैं हमारे पास एक बहुत ही स्मूथ सा पैनकेक तैयार हुआ है और इस पर जो लाइट ब्राउन कलर आया है वो चीनी ऐड करने की वजह से आया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर चुके हैं। अब इसी स्टेज पे हम पैनकेक पे पिज्ज़ा सॉस अप्लाई कर देंगे। आपने बहुत अच्छे से पैनकेक के चारों कॉर्नर्स में पिज्ज़ा सॉस को अप्लाई करना है। यहाँ पे पिज्ज़ा सॉस अप्लाई करने के बाद अब हम इसमें तैयार किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। आप किसी भी किस्म की अपनी पसंद की टॉपिंग ऐड कर सकते हैं। अब मैं इस पे छोटे छोटे क्यूब्स में कटे हुए टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर के आपने बीज रिमूव कर लेने हैं काटते हुए। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें छोटे क्यूब्स में कटे हुए प्याज ऐड कर दूंगी और प्याज ऐड करने के बाद हम साथ ही इसमें ऐड कर देंगे क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च। यहाँ पे मैंने एक कप मोजरेला और चेडर चीज़ को ग्रेट करके रख लिया हुआ है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ग्रेट की हुई मोजरेला और चेडर चीज़ ऐड कर दूंगी। अगर आप चाहें तो आप पिज्जा चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ग्रेट की हुई चेडर और मोजरेला चीज़ फ़ौरन से ही मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी हैं क्योंकि डो ऑलरेडी गर्म थी। अब साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी छोटे छोटे मोजरेला चीज़ और चेडर चीज़ के चंक्स ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ी पिज्ज़ा तैयार हो। यहाँ पे चीज़ हम ऐड कर चुके हैं। अब हम इसमें स्लाइस किए हुए ऑलिव्स ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप ग्रीन ऑलिव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लास्ट में प्याज शिमला मिर्च और चिकन थोड़ा थोड़ा मज़ीद ऐड कर देंगे। अब सबसे आखिर में हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे ओरिगैनो पाउडर और साथ ही थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। यहाँ पे पिज्ज़ा की टॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम फ्लेम ऑन कर देंगे और कवर करके पिज्ज़ा को 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम से लो पे रखना है और तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं पिज्ज़ा को पकते हुए। अब हम ढक्कन उतार लेंगे और आप देख सकते हैं चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। हमारे पास बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी और एक्स्ट्रा चीज़ी पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिज़्ज़ा क्रस्ट बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो तो आप उसके लिए इस स्टेज पे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पिज़्ज़ा को पका लें। इससे आपकी पिज़्ज़ा क्रस्ट बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी। तो तैयार हो चुका है हमारा बहुत ही मज़ेदार एक्स्ट्रा चीज़ी और लिक्विड डो से झटपट तैयार होने वाला पिज़्ज़ा। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।